फेस्टिवल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स ये सेलिब्रेट करते हैं मुख्तलिफ मजहबों के लोग अपना अपना उनका अपना अपना रिलीजियस फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं एंड इस रिलीजियस uh, फेस्टिवल्स पे क्या होता है कि हम मुख्तलिफ किस्म के स्वीट्स एंड डिशेस पकाते हैं एंड फर्स्ट फेस्टिवल कौन सा है यहाँ पे गुरपुरब वट गुरब ये जो गुरुपुरब है इट द फेस्टिवल ऑफ सिक्स सिख लोगों का फेस्टिवल है द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव इज सेलिब्रेटेड ऑन गुरपुरब गुरु नानक देव का बर्थडे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है गुरुपुर पे जो सिख लोग है वो सेलिब्रेट करते किन का बर्थडे गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं इस गुरुपुर पे एंड नेक्स्ट इज ईद ईद सबको पता है की ईद जो है हमारा फेस्टिवल है मुस्लिम का फेस्टिवल है इट एन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम इच ईयर वो सेलिब्रेट टू ईद ईद फितर एंड ईद उलह हम दो ईद हैं हर साल ईद पे हम ईद नमाज पढ़ते हैं हमें ईदी मिलती है हमें यमी यमी खाना खाने को मिलता है हम नए नए कपड़े पहनते हैं इज इट नेक्स्ट इज होली होली हम बोलते हैं ये रंगों का त्योहार होता है होली इज अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज होली क्या है हिंदूज का फेस्टिवल है इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर एर रंगों का त्योहार होता है यहाँ पे आप देख सकते बच्चे एक दूसरे पे रंग के साथ एक दूसरा एक दूसरे के साथ रंगों से खेल रहे हैं एक दूसरे पे रंग लगा रहे हैं एंड ये फेस्टिवल मार्च में मनाया जाता है और इस दिन जो है ये हिंदू लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनते और रंगों के साथ खेलते हैं ओके स्टूडेंट अ नाइस डे अल्लाह हाफिज